जाति का विनाश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना। मैंने ये भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया। 12 दिसंबर सन 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के सचिव श्री संत राम का निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति के बिना ही मैंने इसे प्रेस के लिए जारी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे ये लगा कि इसका प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान विचारक हैं और ये मेरी सुचिंतित राय है कि और किसी ने भी जाति की समस्या का उतना गहरा अध्ययन नहीं किया है जितना कि आपने। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। मैंने क्रांति में कई बार इसकी व्याख्या की है और इसे प्रचारित किया है और कई सम्मेलनों में मैंने इस पर व्याख्यान दिया है। अब मैं आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर ये जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, की व्याख्या पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ। आपको जितनी जल्द सुविधा हो कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करें, ताकि हम इस विचार को उठा सकें और प्रेस और अन्य मंचों से इस पर जोर दे सकें। वर्तमान में ये मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखने के लिए आग्रही है। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी तारीखें बदल सकते हैं। पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन आपसे मिलने और आपके साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं, तो इससे दोहरे उद्देश्य सधेंगे। हम सभी रंगत के विचारों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मंडल ने हमारे सहायक सचिव श्री इंद्र सिंह को नियुक्त किया है कि वे क्रिसमस में आपसे बंबई में मिलें और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत कराने के उद्देश्य से समूचे हालात पर आपसे चर्चा करें। जातपात तोड़क मंडल मुझे बताया गया था कि सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है, जिसका एक और एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच से जाति व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियम के रूप में मैं किसी ऐसे आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं, जिसका संचालन सवर्ण हिंदुओं द्वारा किया जा रहा हो। सामाजिक सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग है कि उनके साथ चलना मैंने मुश्किल पाया है। दरअसल हमारी मत भिन्नता के कारण उनका साथ मुझे निहायत गैर पैदाइशी लगता है। इसलिए जब मंडल ने पहले मुझसे संपर्क किया, तो मैंने अध्यक्षता करने के लिए उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल मंडल हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से एक को बंबई भेज दिया। अंत में मैंने अध्यक्षता करने के लिए सहमति दे दी। अधिवेशन का आयोजन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। इस आयोजन को ईस्टर में होना था, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब अधिवेशन को रद्द कर दिया है। रद्द करने का नोटिस मेरे अध्यक्षीय व्याख्यान के छपने के काफी बाद आया। व्याख्यान की प्रतियां अब मेरे पास है। चूंकि मुझे अध्यक्ष पद से ये व्याख्यान पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जाति व्यवस्था द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर लोगों को नहीं मिला। जनता को इन विचारों से अवगत कराने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों का निपटान करने के लिए मैंने व्याख्यान की मुद्रित प्रतियां बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। 7 के पृष्ठों में उस व्याख्यान का पाठ है। 27/3/1936। श्री श्रद्धेय डॉक्टर जी, श्रीयुत संत राम को लिखित आपका 24वीं तारीख का पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हम थोड़ा निराश हुए। शायद आप पूरी स्थिति से अवगत नहीं हैं जो यहाँ उत्पन्न हुई है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित करने के खिलाफ हैं। जात पात तोड़क मंडल को कटुतम आलोचना का शिकार होना पड़ा है और सभी क्षेत्रों से कड़ी फटकार सुननी पड़ी है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें परमानंद एमएलए, पूर्व अध्यक्ष हिंदू सभा, महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री, राजा नरेंद्र नाथ एमएलसी आदि शामिल हैं, मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर चुके हैं। इसके बावजूद
जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिनमें प्रमुख हैं श्रीयुत संतराम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको अध्यक्ष बनाने का विचार नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंडल की काफी बदनामी हो चुकी है, इन परिस्थितियों में मंडल के साथ सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ हिंदुओं द्वारा उनके सामने इतनी परेशानी और कठिनाई खड़ी की जा रही है और दूसरी तरफ आप भी उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, तो ये उनके लिए दोहरी बदकिस्मती होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और वो करेंगे जो हम सभी के लिए अच्छा होगा। इस पत्र ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं ये समझने में असमर्थ था कि व्याख्यान को छापने को लेकर कुछ रुपयों की खातिर मंडल मुझे नाराज क्यों करेगा। दूसरे, मुझे ये विश्वास नहीं हो सका कि सर गोकुलचंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोकुलचंद का निम्नलिखित पत्र मिला था। 5 मॉन्टगोमरी रोड, लाहौर, 7236। प्रिय डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में आयोजित होने वाले उनके अगले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गए हैं। अगर आप मेरे साथ ठहरते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मुलाकात होने पर, सादर जी सी नारंग। खैर, सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को बंबई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमति देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वे श्री हर भगवान को मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में ये व्याख्यान बंबई में छपे या लाहौर में, इस ओर से वो इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी चिंता सिर्फ ये जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या गया है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपवाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि ये जानना था कि व्याख्यान में है क्या। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी। वो इसके कुछ हिस्सों से बहुत खुश नहीं थे। वो लाहौर लौट गए और लाहौर से उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा। लाहौर, दिनांक 14 अप्रैल 1936। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को बंबई से आगमन के बाद से ट्रेन यात्रा के दौरान 5 या 6 रात लगातार सो न पाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। अगर मेरी हालत चलने फिरने लायक होती तो मैं आपसे जरूर मुलाकात करता। मैंने आपका व्याख्यान अनुवाद के लिए श्री संत राम को दे दिया है और ये व्याख्यान उन्हें बहुत अधिक पसंद आया है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं है कि वे इसका अनुवाद कर 25वीं से पहले छपवा सकेंगे। जो भी हो, ये व्याख्यान व्यापक तौर पर प्रचारित होगा और हमें यकीन है कि यह हिंदुओं को उनकी नींद से जगाएगा। बंबई में मैंने जिस अंश की तरफ आपका ध्यान दिलाया था उसे पढ़कर हमारे मित्रों को कुछ संदेह हुआ है और हम में से जो लोग चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वे चाहेंगे कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। बहरहाल मैं ये आशा करता हूं कि अपने समापन अनुच्छेदों में आप ये स्पष्ट कर देंगे कि व्याख्यान में व्यक्त विचार आपके हैं और इस मामले में मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और व्याख्यान की 1000 प्रतियां हमें भिजवा देंगे, जिसका हम निश्चय ही भुगतान करेंगे। इस आशय का तार मैंने आपको भेजा है। 100 रुपए का चेक इसके साथ संलग्न है, जिसकी कृपया पावती दें और उचित समय पर हमें अपने बिल भेजें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसके फैसले की सूचना आपको तुरंत भेजूंगा। इस बीच मेरे प्रति दयालुता दिखाने और अपना व्याख्यान तैयार करने में आपने जितना कष्ट उठाया है, उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करने की कृपा करें। आपने सचमुच हमें कृतज्ञता के एक भारी ऋण में डाल दिया है। सादर हर भगवान। पुनश्च, व्याख्यान की प्रतियां जैसे ही छप जाएं, कृपया उन्हें तुरंत पैसेंजर ट्रेन से भेज दें, ताकि वे प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजी जा सकें। तदनुसार मैंने अपनी पांडुलिपि की 1000 प्रतियां मुद्रित करने के आदेश के साथ मुद्रक को दे दी। 8 दिन बाद मुझे श्री हर भगवान की तरफ से एक और पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूं। लाहौर, 22/4/1936। प्रिय डॉक्टर अम्बेडकर,
हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छा के अनुसार हमने अपने अधिवेशन को फिर स्थगित कर दिया है, लेकिन हमें लगता है कि 25वीं और 26वीं को अधिवेशन हो जाता तो बहुत बेहतर था, क्योंकि पंजाब में रोज गर्मी बढ़ रही है और मई के मध्य में मौसम काफी गर्म होगा तथा दिन में बैठक करना बहुत सुखकर और आरामदेह नहीं होगा। हालांकि अधिवेशन अगर मई के मध्य में होता है तो उसे जितना संभव हो सकेगा उतना आरामदायक बनाने के लिए हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी एक बात है जो आपके ध्यान में लाने के लिए हम बाध्य हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे धर्म परिवर्तन के बारे में आपकी घोषणा पर अपने कुछ लोगों में गलत फहमी होने की ओर इशारा किया था, तब आपने मुझसे कहा था कि यह निसंदेह मंडल के दायरे से बाहर है और इस बारे में हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी कहने का आपका इरादा नहीं है। जब आपके व्याख्यान की पांडुलिपि मुझे सौंपी गई, उस समय आपने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वो आपके व्याख्यान का मुख्य भाग है और आप केवल 2 या 3 समापन पैराग्राफ छोड़ना चाहते हैं। आपके व्याख्यान की दूसरी किस्त की प्राप्ति पर हम आश्चर्यचकित हैं कि ये इतना लंबा है कि हमें लगता है कि बहुत कम लोग इसे पूरा पढ़ सकेंगे। इसके अलावा आपने अपने व्याख्यान में 1 से ज्यादा बार कहा है कि आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका ये आखिरी व्याख्यान है। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और तर्कसंगतता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है, जिसका वर्तमान मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह अंश इतना ज्यादा है कि आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती अगर आपने अपना व्याख्यान उसी अंश तक सीमित रखा होता जो मुझे दिया गया था, अथवा कुछ जोड़ना जरूरी था तो आपने ब्राह्मणवाद वगैरह पर जो भी लिखा था वहीं तक सीमित रखते। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म के संपूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीत नहीं होते। इसलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त अंशों को आप हटा दें और अपने व्याख्यान का समापन वहीं करें जहां उस प्रति में किया गया था जो मुझे दी गई थी, या ब्राह्मणवाद पर कुछ पैराग्राफ जोड़ दें। इस व्याख्यान को अनावश्यक रूप से उत्तेजक और चुभनदार बनाने की बुद्धिमता पर हमें संदेह है। हम में से कई आपकी भावनाओं के हिस्सेदार हैं और हिंदू धर्म को नया स्वरूप देने के लिए आपके बैनर तले आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। यदि आपने अपने पंथ के लोगों को एक साथ लाने का निर्णय किया होता तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पंजाब के लोग सुधारकों की आपकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करने में हमारा नेतृत्व करेंगे, खासकर इसलिए कि आपने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है और एक क्रांति लाकर अपने को इस विराट प्रयास के केंद्र में रखकर हमारे हाथ आप मजबूत करेंगे। लेकिन आपने जो घोषणा की है उसका स्वभाव ऐसा है कि दोहराए जाने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो एक घिसा पिटा शब्द बन जाता है। इन परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले पर विचार करें और ये कहकर अपने व्याख्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाएं कि अगर हिंदू इस दिशा में ईमानदारी से काम करने को इच्छुक हैं, तब भी जब उन्हें अपने परिवार के लोगों और अपनी धार्मिक धारणाओं का परित्याग करना पड़े तो जाति व्यवस्था के विनाश में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में आपको खुशी होगी। इस बिंदु पर जब हम काफी खर्च कर चुके हैं और दुविधा का शिकार भी हैं, आप हमारी मदद करें और लौटती डाक से बता सकें कि आप उपयुक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छपवाने का आग्रह करते हैं तो हमें बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा, बल्कि यही हमारे लिए उचित भी होगा और हम इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पसंद करेंगे। यद्यपि बार बार स्थगित करने से हमारी साख समाप्त हो जाएगी, बहरहाल हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है और ये कह सकते हैं कि ये मूल्यवान विरासत साबित होगी, आपने हमारे हृदयों में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपके उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ आपका निष्ठापूर्वक हर भगवान। मैंने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा। प्रिय श्री हर भगवान,
आपका पत्र 22 अप्रैल को प्राप्त हुआ। ये जानकर मुझे अफसोस हुआ कि यदि मैं अपने व्याख्यान को यथावत छपवाता हूँ तो जात पात तोड़क मंडल की स्वागत समिति अधिवेशन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करना पसंद करेगी। उत्तर में मुझे आपको ये सूचित करना है कि अगर मंडल चाहता है कि मैं अपने व्याख्यान को उसकी परिस्थितियों के अनुसार ढालते हुए उनमें काट छांट कर दूं, तो मैं भी चाहूंगा कि सम्मेलन को रद्द कर दिया जाए। अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सम्मान पाने की खातिर उस स्वतंत्रता का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपना व्याख्यान तैयार करने में होनी ही चाहिए। मंडल को खुश करने के लिए मैं उस कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता जो हर अधिवेशन के अध्यक्ष का होता है, अधिवेशन को वो दिशा देना जो उसकी नजर में सही और उचित है। ये मामला सिद्धांत का है और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। स्वागत समिति द्वारा किया गया निर्णय उचित है या नहीं, इस संबंध में मैं किसी प्रकार की बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कुछ कारण दिए हैं जो मुझ पर दोषारोपण करते हुए प्रतीत होते हैं, अतः मुझे उनका जवाब देना होगा। प्रथमतः मुझे इस धारणा को दूर करना है, व्याख्यान के जिस हिस्से में व्यक्त विचारों पर समिति को आपत्ति है वो मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है। श्री संत राम के पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का असली तरीका अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह नहीं बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। तो ये उन्हें एक नई बात लगी थी और उन्होंने कहा था कि इस बात को अपने व्याख्यान में मुझे विस्तार से पेश करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्री संत राम उसकी पुष्टि करेंगे। श्री संत राम के आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मैंने सोचा कि मैंने जो एक बात एक वाक्य में कह दी थी उसे अपने व्याख्यान में मैं विस्तार से रखूं। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि व्याख्यान में व्यक्त विचार नए हैं। किसी भी स्थिति में वे श्री संत राम के लिए नए नहीं हैं जो आपके मंडल की प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज हैं। लेकिन मैं और आगे जाकर कहता हूं कि मैंने अपने व्याख्यान के इस हिस्से को केवल इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लगा कि ऐसा करना वांछनीय होगा। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मेरे विचार में तर्क को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी था। ये पढ़कर मैं हैरान हूं कि व्याख्यान के इस अंश पर आपकी समिति को आपत्ति है कि ये अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर है। आप मुझे ये कहने की इजाजत दें कि मैं वकील हूं और प्रासंगिकता के नियम आपकी समिति के किसी भी सदस्य जितने भी मुझे पता है से मैं जोर देकर कहता हूं कि व्याख्यान के जिस भाग पर आपत्ति की गई है वो न केवल बेहद प्रासंगिक है बल्कि वो महत्वपूर्ण भी है। ये व्याख्यान के उस हिस्से में है जिसमें मैंने जाति व्यवस्था को तोड़ने के तरीकों पर चर्चा की है। हो सकता है कि जाति को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के बारे में जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वो चौंका देने वाला और दर्दनाक है। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे व्याख्यान में जो जाति की समस्या से संबंधित है इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि जाति को कैसे नष्ट किया जा सकता है। आपकी दूसरी शिकायत यह है कि व्याख्यान बहुत लंबा हो गया है। इसके लिए मैंने व्याख्यान में ही अपने आप को दोषी ठहराया है, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदारी किस पर है? बात शायद यह है कि इस मामले में आपका पदार्पण शायद काफी देर से हुआ है, अन्यथा आपको पता होता कि मूलतः मैंने अपनी सुविधा के लिए एक संक्षिप्त व्याख्यान लिखने की योजना बनाई थी, क्योंकि मेरे पास न तो समय था और न ही एक विस्तृत प्रबंध तैयार करने में खुद को लगा सकने की ऊर्जा। मंडल ने ही मुझे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए कहा था और मंडल ने ही जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की एक सूची मुझे भेजी थी और कहा था कि अपने व्याख्यान में मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि ये वो सवाल थे जो मंडल और उसके विरोधियों के बीच वाद विवाद में अक्सर उठते थे और जिनका संतोषजनक जवाब देना मंडल के लिए मुश्किल हो जाता था। मंडल की इस इच्छा को पूरा करने के प्रयास में ही व्याख्यान इतना लंबा हो गया है। मैंने जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि व्याख्यान के लंबा हो जाने के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने हिंदू धर्म के विनाश की बात कही है इसलिए आपका मंडल इतनी सोच में पड़ जाएगा। मैं समझता था कि मूर्ख ही शब्दों से घबराते हैं, लेकिन लोगों के मन में किसी तरह की गलत फहमी पैदा ना हो इसलिए इस बात की व्याख्या करने में मैंने काफी मेहनत की है कि धर्म और धर्म के विनाश से मेरा अभिप्राय क्या है। मुझे यकीन है कि मेरा व्याख्यान पढ़ लेने के बाद किसी को गलत फहमी नहीं हो सकती,
मात्र धर्म का विनाश आदि शब्दों के प्रयोग से साथ में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद आपका मंडल उद्वेगग्रस्त हो गया। इससे मेरे मन में उसका सम्मान नहीं बढ़ा है। किसी के मन में उन आदमियों के लिए सम्मान या आदर नहीं हो सकता जो सुधारक बनना चाहते हैं, पर उसके तार्किक परिणामों को क्रियान्वित करना तो दूर, उन पर नजर डालने से भी इनकार कर देते हैं। आप सहमत होंगे कि अपना व्याख्यान तैयार करने में कोई भी सीमा स्वीकार करने की स्वीकृति मैंने कभी नहीं दी है, और व्याख्यान में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में मेरे और मंडल के बीच कभी कोई बात नहीं हुई थी। मैं हमेशा ये मानकर चल रहा था कि इस विषय पर मेरे जो भी विचार हैं उन्हें अपने व्याख्यान में व्यक्त करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। जब नौवीं को आप बंबई आए, उसके पहले तक मंडल को यह खबर तक नहीं थी कि मैं अपने व्याख्यान में क्या कहने जा रहा हूं। जब आप बंबई आए तो खुद मैंने ही आपको बताया कि डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि व्याख्यान तैयार करने में मैंने ईमानदारी से अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है, सिवाय एक अप्रत्यक्ष किस्म के चलताऊ हवाले के, जहां मैं ये कहता हूं कि मुझे दुख है कि मैं यहां नहीं होऊंगा इत्यादि। मैंने इस विषय पर अपने व्याख्यान में कुछ भी नहीं कहा है। जब मैं देखता हूं कि एक अप्रत्यक्ष किस्म के चलताऊ हवाले पर भी आपको आपत्ति है, तब ये पूछने के लिए मैं बाध्य हूं, क्या आपने ये सोचा था कि आपके अधिवेशन की अध्यक्षता करने का प्रस्ताव स्वीकार करके डिप्रेस्ड क्लासेस द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों को स्थगित करने या छोड़ने के लिए मैं सहमत हो रहा हूं? अगर आपके सोचने में ऐसा आया तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि आपकी इस भूल के लिए मैं किसी तरह भी जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप में से किसी ने भी ये इशारा दिया होता कि मुझे अध्यक्ष निर्वाचित करके आप जो मुझे सम्मान दे रहे हैं उसके बदले में मुझे धर्म परिवर्तन के अपने कार्यक्रम में अपनी आस्था का परित्याग कर देना होगा, तो एकदम साफ शब्दों में मैंने कह दिया होता कि आपसे मिलने वाले किसी भी सम्मान की तुलना में मैं अपनी आस्था की ज्यादा परवाह करता हूं। 14 तारीख के आपके पत्र के बाद आपका ये पत्र मेरे लिए एक आश्चर्य की तरह है। मुझे यकीन है कि जो कोई भी इसे पढ़ेगा उसे ऐसा ही लगेगा। स्वागत समिति द्वारा इस आकस्मिक विचार परिवर्तन का तर्क मेरी समझ में नहीं आता। जब आपने 24 तारीख का पत्र लिखा, उस वक्त समिति के सामने जो कच्चा ड्राफ्ट था उसमें और अंतिम ड्राफ्ट में जिस पर समिति का फैसला आपने मुझे अपने पत्र में संप्रेषित किया है, सारतः कोई अंतर नहीं है। अंतिम ड्राफ्ट में एक भी ऐसे विचार पर आप उंगली नहीं रख सकते जो कि पहले ड्राफ्ट में नहीं था। दोनों में निहित विचार समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंतिम ड्राफ्ट में उन्हें ज्यादा ब्यौरे के साथ स्पष्ट किया गया है। यदि व्याख्यान में कुछ आपत्तिजनक था तो आप 14 को ही कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत आपने 1000 प्रतियां छपवाने के लिए मुझे कहा, जिससे मुझे ये स्वतंत्रता मिलती थी कि आपने मौखिक रूप से मुझे जो सुझाव दिए थे उन्हें मैं स्वीकारूं या नहीं। तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छपवा ली, जो अब मेरे पास है। 8 दिन बाद आपका पत्र आया है कि आपको मेरे व्याख्यान पर आपत्ति है और उसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो अधिवेशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए था कि मेरे व्याख्यान में बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब आप बंबई में थे, मैंने आपसे ये कह दिया था कि मैं एक कौमा भी नहीं बदलूंगा, अपने व्याख्यान पर किसी तरह की रोक टोक में स्वीकार नहीं करूंगा, और आपको मुझसे जो व्याख्यान मिलेगा वो आपको स्वीकार करना होगा। मैंने ये भी कहा था कि व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचार पूरी तरह से मेरे हैं, और यदि अधिवेशन ने उन्हें पसंद नहीं किया और उनकी भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित किया तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे विचारों के लिए आपके मंडल को जिम्मेदार न होना पड़े, और इस उद्देश्य से भी कि आपके अधिवेशन के साथ मेरा साहचर्य बहुत अंतरंग न बन जाए, मैंने आपको सुझाव दिया था कि मेरे व्याख्यान को अध्यक्षीय व्याख्यान के बजाय उद्घाटन व्याख्यान के रूप में ग्रहण किया जाए, तथा अधिवेशन की अध्यक्षता करने और प्रस्तावों से निपटने के लिए मंडल कोई अन्य व्यक्ति खोज ले। 14 को इस पर निर्णय लेने के लिए आपकी समिति से बेहतर और कोई नहीं हो सकता था, परंतु समिति ऐसा करने में अक्षम रही, और इस बीच छपाई का खर्च हो गया, जिसे आपकी समिति थोड़ी और दृढ़ता के साथ काम करती तो बचाया जा सकता था। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे व्याख्यान में व्यक्त विचारों को आपकी समिति के निर्णय से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे पास ये मानने के कारण है कि अमृतसर में संपन्न सिख प्रचार सम्मेलन में मेरी उपस्थिति आपकी समिति के इस निर्णय की पृष्ठभूमि है।
14 और 22 अप्रैल के बीच अचानक समिति का विचार बदल जाने की कोई और संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। बहरहाल मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना कतई नहीं चाहता और आपसे मैं तुरंत ये घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ कि सम्मेलन का जो सत्र मेरी अध्यक्षता में होने वाला था उसे रद्द किया जाता है। मेरी सारी विनम्रता अब जाती रही है और अब यदि आपकी समिति मेरे व्याख्यान को यथावत स्वीकार करने के लिए राजी हो जाती है तब भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। ये व्याख्यान तैयार करने में मैंने जितना श्रम किया है उसकी सराहना करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस श्रम से और किसी को लाभ हुआ हो या नहीं, मैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब जब मेरा स्वास्थ्य इस भार को उठाने के लायक नहीं था, मुझसे ये कठोर श्रम करवाया गया। आपका निष्ठापूर्वक B.R. आम्बेडकर। ये पत्र व्यवहार उन चीजों को प्रकाश में लाएगा जिसके कारण मंडल द्वारा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और पाठक उसे दोषी ठहराने की स्थिति में होगा जो इसका सही रूप में उपयुक्त पात्र है। मेरा विश्वास है कि ये पहली बार है जब स्वागत समिति ने अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया है कि वो उसके विचारों का समर्थन नहीं करती। लेकिन ऐसा हो या न हो, मेरे जीवन में ये निश्चय ही पहली बार हुआ है जब सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। लेकिन सवर्ण हिंदुओं के सुधारक समूह और आत्मसम्मान पूर्ण अस्पृश्यों के बीच एक ऐसे संबंध से कोई क्या उम्मीद कर सकता है जो इतना दुखद है कि पहला अपने रूढ़िवादी साथियों को अलगाने के लिए इच्छुक नहीं है और दूसरे के पास इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि सुधारों को कार्यान्वित किया जाए। B.R. अंबेडकर, राजगृह, दादर, बंबई, 14-15 मई 1936।